जो छुटपुट हमारे पास छोटी मोटी चोटें वो सैकड़ों थे, जो यहाँ हमारे मेडिकल प्रैक्टिशियन है वो बोल रहे हैं कि हर मिनट में एक पट्टी लग रही है, मतलब एक घंटे में 60 पट्टियां लग रही हैं यहाँ शंभू बॉर्डर पर। तो इस तरह की जो उधर से हैवी यूज हो रहा है उसके लिए। और दूसरा बात, ये पुलिस नहीं हमारे ऊपर प्रहार कर रही है, अर्धसैनिक फोर्स लगे हुए हैं। पहली बार हुआ कि देश की किसी सरकार ने अर्धसैनिक फोर्सों का किसान मजदूर आंदोलन के ऊपर इस्तेमाल किया। मैं बताना चाहूंगा, जैसे टीयर गैस है, ये तो आमतौर पर होती है इस्तेमाल, लेकिन इसके बीच देखिए स्मोक सेल एयर ब्रस्ट ये भी यूटिलाइज किए जा रहे हैं, स्मोक सेल ग्राउंड ब्रस्ट ये भी इस्तेमाल हो रहे हैं, और हैवी एक्सप्लोजन जो अमिशन जो है वो यूटिलाइज किया जा रहा है। तो ये सब ऐसा चल रहा है, इसलिए हम कहते इतनी ज्यादा किसान मजदूर के ऊपर जिस तरह से ताकत की दुर्वर्तों कर रही है केंद्र सरकार, उसको दोबारा इन बातों पे सोचना चाहिए। दूसरा, हमने पहले भी कहा है, आज भी बोल रहे हैं, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम हर हाल में आपके बैरिकेड को तोड़ देंगे। दो बातें हैं, आज माननीय मंत्री महोदय से मीटिंग है, हम चाहेंगे स्वयं प्रधानमंत्री जी उनसे बात करें और इन मांगों का आज हल हो जाए, ये सभी के लिए सुखद होगा। और दूसरा, अन्यथा लगता है कुछ ऐसा, तो ये लोकतांत्रिक मुल्क है, हमें दिल्ली में पीसफुल ढंग से अपना आंदोलन करने की इजाजत दी जाए, ये रास्ते सरकार खुद स्वयं खोल दे। और जो एजेंडा होगा वो वही है जो हमने 10 मांगों का दिया हुआ है, जिनमें से एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाने की बात है, सभी फसलों के दाम डॉक्टर स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट के अनुसार हम कहते हैं दीजिए C2+50%। इसके अलावा जो गन्ने का रेट है C2+100% से दीजिए, और किसान और खेत मजदूर का कर्ज माफी होनी चाहिए। और भी पहले मानी हुई हमारी मांगे हैं। एक मैं बोलना चाहूंगा, जो अभी बिजली एक्ट 2023 सरकार ने बना लिया है, जो बोलते थे हम स्टेक होल्डर से बात करके आएंगे, हाँ उनमें किया क्या है कि जो भी स्टेट सरकार किसान को और किसी को भी सब्सिडी देना चाहती है उसका प्रावधान कर दिया कि आप सब्सिडी दे सकते हैं। पर हमारी मांग यह रही है कि ये निजीकरण की नीति है, इसे लाना नहीं चाहिए। जब पहले के कानून 1948 का बिजली एक्ट था, जब उसे तोड़कर 2003 एक्ट आया, तो प्राइवेट कारपोरेट को बिजली पैदा करने के अधिकार दिए गए। अब जब 2023 एक्ट आया है, तो प्राइवेट कारपोरेट को बिजली के दाम तय करने के भी अधिकार मिल गए हैं। इससे पूरे देश के आम लोग, साधारण जो उपभोक्ता हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दबाव होगा अधिक बिल देने का। तो देखिए, और जो बोल रहे थे कि हमने कुछ भी नहीं किया, इससे पहले श्री पीयूष गोयल जी के महकमे ने जो ऑर्डिनेंस किया था बिजली वंड लाइसेंस निजम 2022, तो इसका नोटिफिकेशन तो पहले कर चुके हैं, जिससे जो हमारे ग्रिड्स हैं वो प्राइवेट कारपोरेट के पास जा रहे हैं। तो हम चाहेंगे आज इस मीटिंग में कुछ ना कुछ ऐसा निकल के आए, जैसे हमारा जो मोर्चे का हल हो सके। इतना कुछ हो रहा है हमारे साथ पूरे देश भर में। कल यूपी के जो किसान संगठनों ने हमें सपोर्ट की थी, उन सब के किसान लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया गया। मध्य प्रदेश में गिरफ्तारियां हुई हैं, इस तरह से अन्य राज्यों में भी अधिक से अधिक गिरफ्तारियां हुई हैं। और इसके बावजूद तमिलनाडु में बारह पक्ष में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा, केरला में बहुत बड़ा आंदोलन हो रहा, हरियाणा में, बेशक मीडिया से खबरें नहीं, हरियाणा में कई जगहों के ऊपर धरने अभी चल रहे हैं, जो खबरों की पुष्टि हो रही है, लोग बाहर निकल के आ रहे हैं। हम पूरे देश को बताना चाहेंगे कि आप
एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून पंजाब हरियाणा के अलावा पूरी यूपी को, बिहार को, उड़ीसा को, राजस्थान को, सभी राज्यों को चाहिए। तो हम चाहते आप किसी के पक्ष वाले, बेशक आप भाजपा के वोटर क्यों ना हो, किसी को, आप किसान तो हैं, आप उठिए और इस सरकार का विरोध करिए और मांग कीजिए कि एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनना चाहिए आने वाले समय में, तो सुख दो। और दूसरा, जो इतना कुछ हो रहा है जो हम देख रहे हैं, तो सरकार पूरी तरह किसान आंदोलन को अपने पैरों तले कुचलना चाहती है। हम चाहेंगे इसके बारे में दोबारा सोचा जाना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम इस देश के किसान हैं, खेत मजदूर हैं, हमारे से देश बनता है, ये देश हमारा है और सरकार को हमारी आवाज सुननी पड़ेगी, अथवा जो आगे होगा वो ठीक नहीं होगा। तो हम आशा करेंगे, हम पूरे पॉजिटिव मूड से आज मीटिंग में जा रहे हैं और पूरे विश्वास के साथ आज मीटिंग में जाएंगे कि इस मीटिंग में कोई सुखद हल आने वाले समय में निकल के सामने आए। तो जैसे कि आपके 3 दिनों में करते हुए, तो सर जो आपके धरने को कल भी एक पढ़ रहा है इंटेलिजेंस का बनना बड़ा गनौरी में, तो क्या कहना चाहेंगे लोगों को, कैसे लड़ रहे हैं? हाँ देखिए, ये बात आपकी उचित है। ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन, कौमांतरी इंटरनेशनल लेवल का ये आंदोलन बन गया है। अब सरकार की मंशा तो होगी इन एजेंसियों के भी इसमें से अपने आदमी घुसाकर किस तरह से किसान आंदोलन को बदनाम किया जाए। हम पूरी तरह कोशिश करेंगे, लोगों को कहेंगे भी इस आंदोलन की अब रक्षा करने का सवाल भी है, सब हम लोग अलर्ट रहे। और किस तरह का कोई आदमी इस तरह का सामने आता है उससे मारपीट तो नहीं करनी चाहिए, उनको पकड़ के जो बड़े लीडर हैं सीनियर उनको पकड़ा देना चाहिए भी। आगे का निर्णय क्या होगा वो बड़े लीडर कर लेंगे, जो हमें लगता है। सर बार बार एक ही क्वेश्चन होता है आपके चौथे महीने को जोड़ा जाता है खाली, उस पर आपका क्या कहना? हाँ देखिए, हमें पहले ही मालूम था कि जब हम सरकार के विरोध प्रदर्शन करेंगे तो अवश्य है जो भी पगड़ी वाले हैं उनको जो है खालिस्तान के साथ जोड़ा जाएगा। हमने कल भी स्पष्ट करा था, हमारा इस तरह का कोई एजेंडा नहीं है। हम देश के किसान मजदूर हैं, हमारे 7 लगभग किसान मजदूर मोर्चे में सभी देश की यूनियन है, बिहार के भी नेता यहां आए हुए हैं, मध्य प्रदेश के भी पहुंचे हुए हैं, साउथ के नेता भी यहां हैं, सभी देश का आंदोलन है, हरियाणा के भी बड़ी तादाद में आंदोलन है। तो ये भाजपा की पहले से नीति रही है, वो इस तरह से धर्म के नाम पर पूरे देश को बांटने का कार्य करती है। हम आग्रह कहेंगे कि वो ऐसा ना करे, हम इस देश के किसान हैं, मिल बैठ के इस मसलों का हल करना चाहिए। यही नहीं कहा जा रहा, आप बोल रहे हैं प्रो कांग्रेस है, हम तो बोलते हैं कांग्रेस भी उतनी दोषी रही है इन नीतियों, जो कारपोरेट की पक्ष वाली नीतियां जो अभी भाजपा जिसके ऊपर काम कर रही है, बोलते हैं प्रो लेफ्ट है, हम तो प्रो लेफ्ट का भी विरोध करते रहे। जिस तरह सीपीआई सीपीआईएम बिहार में माले के एमएलए जीते हैं, तो उन्होंने देश के लिए क्या किया, हमारा किसी से कोई ये भी बोलते हैं पंजाब सरकार सपोर्ट कर रही, भाई हम तो पंजाब सरकार की आलोचना भी करते रहे हैं, जिन कार्यों में पंजाब सरकार असफल रही हम उसके भी आलोचक रहे हैं। तो इस तरह का हमारे ऊपर दोष लगाना अनुचित है, मुझे लगता है। सर जैसे देखा जाए कि एक ड्रोन एक्टिविटी, सुनने में आया कि अपने हरियाणा हद से आगे 500 मीटर ये ड्रोन एक्टिविटी करते कर आप एडीजी के साथ उसको दिखाने को, और आप पे हमला भी हुआ था गोली से। देखिए, ये तो हमने पंजाब सरकार को कहा है कि जो पुल के ऊपर उन्होंने मेन हाईवे के ऊपर जो बैरिकेडिंग या दीवारें बनाई हैं, वो हमें जो हमने नक्शा सरकार पंजाब सरकार को दिया है, इसकी इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ये जुरिस्डिक्शन पंजाब की है, तो हरियाणा सरकार हमारी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये सब नहीं कर सकती और पंजाब सरकार को इसका विरोध करना चाहिए, नहीं तो अन्यथा ऐसा लगेगा कि पंजाब सरकार भी उसके साथ मिली हुई है। इस तरह का संदेश नहीं जाना चाहिए। और मैंने कल जो जब केंद्र का संदेश था कि हम वार्ता करना चाहते हैं, हमने कल इस वार्ता के लिए आगे बढ़ने के लिए रोक दिया, और जब हम वहां पर 2-2.5 घंटे हमने देखा
एक तरफ से हमारे लोग बिल्कुल पीसफुल खड़े थे, एक तरफ से ड्रोन लगातार हमारे ऊपर जो स्मोक है वो फेंक रहा था। और जब मैंने एडीजी पंजाब को लेकर सीधा गया और मैंने पहले बोला उनसे कि मैं नजदीक जाऊंगा, मेरा फोन ट्रेस करते हैं, मेरे ऊपर हमला करेंगे, तो मैं तो 200 मीटर पे दूर पर था, बहुत दूरी में, तो एडीजी मेरे पास खड़े थे। जब हम खेतों में थे तो हमारी तरफ ये जो हैवी स्मोक वाला है, ये जो लगने के बाद फट जाता है, इसका इस्तेमाल किया। और मेरे पास में एडीजी वो भी बचे, मैं भी बचा, और पास का लड़का था उसके माथे के ऊपर यहां जाके लगा और वो काफी घायल हो गया। तो ये सरकार जो बड़े किसान लीडर हैं, अगर उनको मारना चाहती है तो हम प्रस्तुत हो जाते हैं स्वयं सरकार के सामने। अगर उनको हमको मार के उनका मकसद पूरा होता है तो कोई बात नहीं है, हम तो कहते हैं देश की मांगे मान लीजिए, हमारी जान आप लेना चाहते हैं आप ले लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए हमें लगता है। सर, एक बंद की कॉल की गई जथेबंदी, आज 12 से 4 ट्रेनें भी बंद है, पर पूरे इंडिया को बंद की कॉल की गई, उस पर आप क्या कहते हैं? देखिए, आज संगठन कुछ टोल फ्री कर रहे हैं पंजाब में, कुछ रेल 4 घंटे की बंद कर रहे हैं। जो भी हमारे भाई जो हमारे ऊपर जबर हुआ है उसके उपलक्ष में जो भी कर रहे हैं, हम उसका धन्यवाद करते हैं, अच्छी बात है, सबको मिलकर किसान मजदूर के लिए लड़ना चाहिए। हिंदुस्तान बंद की कॉल है, जिसके हाँ मुझे लगता है कोई भी हमारा पहले से भी निर्णय रहा, कोई भी कुछ करे आज किसान मजदूर के लिए करे, हम उसके विरोधी कभी भी नहीं रहे। सर, आज जो मीटिंग हो रही है उसमें कौन कौन सी जथेबंदी दाखिल होगी और कहाँ पे मीटिंग है? देखिए, इसमें दो बड़े जो अम्ब्रेला छतरी वाले दो फोर्म है, एक तो एसकेएम नॉन पॉलिटिकल और किसान मजदूर मोर्चा, तो वो दोनों अपना अपना डेपुटेशन तय करेंगे। उसमें कोई विशेष करके यूनियन नहीं जा रही, वो तो अम्ब्रेला जो बने हुए हैं वो उनके नुमाइंदे जाएंगे। तो देखने हैं साथ साथ का या जो भी सहमति बनती, इस तरह के को आदमी हमारा डेपुटेशन जाएगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24.